लोगों का इस हेल्प प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी आश्रम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सेहत है पर दवाई नहीं, यहाँ उपचार है पर अस्पताल नहीं। इसीलिए ये कहा जा सकता है, सूर्यमाल के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी सेहत हमें बिना दवाई बिना अस्पताल। हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन नहीं, ये एक संत का सपना है जिसे उसने 11 साल की उम्र में देखना शुरू किया था और आज भी देख रहा है। मशहूर अमेरिकन ऑथर, पोएट, फिलोसोफर हेनरी डेविड ने कहा था, इफ वन एडवांसेस कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ड्रीम्स एंड एंडेवर्स टू लिव लाइफ विच ही हैज इमेजिन्ड, ही विल मीट विद सक्सेस अनएक्सपेक्टेड इन कॉमन आर्स। ऐसा ही कुछ डॉक्टर मेहरा के साथ हुआ है। वो हमेशा अपने सपनों की दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे हैं और उसी तरह का जीवन जिया है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसीलिए उन्हें वो सफलता मिली है जो आम तौर पर नहीं मिलती है। डॉक्टर मेहरा, क्या पैथोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट को कंसल्ट करते हैं? हाँ, अगर मसलन जैसे कि किसी बच्चे को फिट आती है तो उसके में हम उनको टेस्ट करवाते हैं, जबकि दूसरे मेडिकल डॉक्टर टेस्ट नहीं कराते, सीधा दवाई देते हैं। हमें पसंद नहीं है, पहले मेडिकल टेस्ट करो कि क्या उसका जो 7 केमिकल हैं उसके अंदर, उनमें से कोई केमिकल कम ज़्यादा हुआ है। ये शायद बहुत सारे डॉक्टरों को या हॉस्पिटल को भी नहीं मालूम है जो हमने खोज की हुई है। वो 7 केमिकल ठीक कर लेंगे, जैसे वो 7 केमिकल ठीक करेंगे वैसे ही उसका फिट आना बंद हो जाता है। और अगर फिर भी फिट आती है उसके बाद, तो हम समझ जाते हैं कि इसके ब्रेन के अंदर कुछ डिफेक्ट है जी। तो फिर उसको कंसल्ट करेंगे, ईईजी वगैरह निकाल के जो भी है वो देख के फिर उसके ट्रीटमेंट उसके अनुसार होता है। मेरा नाम सुधा कपूर है और मेरे को बचपन से एपिलेप्सी थी, जिसकी वजह से मैं कभी हमेशा दवाइयों पे रहती थी, नींद की गोलियां लेती थी। और मेरी एक ही मन में तमन्ना